राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना आशीष भैया, और आज हम लोग सीखेंगे दशमलव बाला, लासा और मासा सीखेंगे। ठीक है, कौन सा सीखेंगे? दशमलव बाला। कल हम लोगों ने कौन सा सीखा था? भिन्न वाला सीखा था, उससे पहले हम लोगों ने साधारण वाला सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे दशमलव बाला। और दशमलव बाले लासा मासा सीखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो आप देखते हैं। कह रहा कि 0.18 ये नहीं बोला जाता, ये आप याद रखना। ये मैंने गलत बोल दिया। क्या बोला जाता? कि हमेशा दशमलव के बाद जो संख्याएं बोली जाती वो फुटकर में बोली जाती। कैसी बोली जाएंगी? 0.18। ठीक है, इसके बाद 3.6, फिर 0.81। ऐसे नहीं कि 0.81 बोल दो, ये आपका क्या होगा? गलत होगा। हमेशा याद रखना कि जब भी दशमलव बाद बोलो, जैसे 3.675 है, तो आप ये नहीं बोलेंगे 3.675, तो ये गलत है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? 3.675। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया नॉलेज के लिए। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग मासा पे, सॉरी मासा और लासा पे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का लासा, दशमलव वाली संख्याओं का लासा सीखेंगे। लासा, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो सवाल दिया गया, क्या दिया गया? 0.18, फिर क्या दिया गया? 3.6, फिर क्या दिया गया? 0.81। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो इसमें देखा कि दशमलव के बाद दो अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद दो अंक है, लेकिन इसके पास दशमलव के बाद दो अंक नहीं है, सिर्फ कितने हैं? एक अंक है। आपको मैं बता दूं कि चाहे दशमलव वाले प्लस करो माइनस करो, ठीक है, हमेशा सारे अंक बराबर होने चाहिए। जब दशमलव वाले अंक बराबर नहीं, तो इसको जीरो लगा के क्या कर लो? बराबर कर लो। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जैसे 4.5 है, इसका मतलब होता है 4.50, और एक और जीरो लगा दो तो इसका भी मतलब वही होगा। एक नहीं, आप 50 जीरो लगा दो, उसका मतलब वही होगा 4.50। समझ में आया? तो दशमलव के बाद जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या याद करना? हमें लासा निकालना है। इसका क्या निकालना? लासा। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, ये आप भूल जाओ कि इसमें दशमलव लगा हुआ है। क्या करो कि जो संख्याएं हैं उन्हीं को लिख लो। क्या लिख लो? 18, 36, 360 और 81। समझ में आया? इतना याद आया। अब भैया आप सोच रहे हो भैया भूल जाए मतलब? हाँ, भूलेंगे नहीं, लेकिन बाद में इनको याद करेंगे। अभी भूल जाओ, बाद में क्या करेंगे? दो अंक बाद दशमलव है, उसमें आंसर जो आएगा उसी में दो अंक बाद दशमलव लगा देंगे। अब समझ में आया? ठीक है, तो चलो काटो इसको। अगर देखो दो से काटेंगे थोड़ा समय लगेगा, तो एक ऐसी संख्या देख लें जिससे ये कट जाए। तो देखो हमारे हिसाब से 6 से भाग जा रहा है, 6 से ना भाग दो, 6 से इसमें 81 में भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 9 से भाग चला जाएगा। किससे चलेगा? 9 से। ठीक है, तो देखो 9 × 2 = 18, ठीक है, और 9 × 4 = 36, 0 और 9 × 9 = 81। क्लियर है? 9 से पता कैसे हुआ कट गया? देखो इनका योग कितना हो रहा है? 9 हो रहा है, इनका भी योग 9 हो रहा है, इनका भी योग 9 हो रहा है, तो ये 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? 2 है, 40 और 9 है। ठीक है, तो 2 से काट दो तो ये क्या हो जाएगा? 2 से काटोगे 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, 0 और 9। क्लियर है? अब आपको पता है 20 20 से कटेगी, 9 9 से कटेगी, तो यहाँ पे लिख लो 20 और क्या लिख लो? 9। समझ में आया? क्लियर है? तो लासा इसका क्या हो जाएगा? अब इन सब का गुणा कर लो भाई, क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। इन सब का क्या कर लो? गुणा भाई, क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो इसका इससे गुणा करोगे तो 2 का गुणा 20 से करोगे हो गया 40, और 9 का 9 से गुणा करोगे 9 × 9 = 81, तो 40 × 81, तो 0 का 0 = 0, 4 × 4 = 16, 1640, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, लेकिन एक बात भूल रहे होगी, हम लोग दशमलव को इग्नोर करके गए थे ऊपर, लेकिन अब नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? देखो कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 अंक बाद लगा दो दशमलव। अब आंसर आया आपका कितना? 16.40, 16.40, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आपको समझ में भी आ गया होगा। अब चलो अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है?
अगला जो सवाल है वो हमारा 3.6 कामा 0.48 कामा 0.72, ठीक है 0.72। अब इसमें देखो दो अंक के बाद दशमलव लगा, इसमें भी दो अंक के बाद, इसमें भी दो अंक के बाद, लेकिन इसमें क्या दो अंक के बाद है नहीं है, तो अभी जो काम किया था वही काम कर लो, दो अंक के बाद लगा दिया दशमलव, इतना समझ में आ गया। अब फिर वही काम करना है कि थोड़ी देर के लिए दशमलव को क्या करो, भूल जाओ, तो फिर किसको लिख लो 360 कामा 48 कामा 72, समझ में आया। मैंने इसका बेसिक वीडियो भी बनाया है, ठीक है, इसका बेसिक वीडियो बनाया था, जो सबसे पहले मैंने जो इसका वीडियो बनाया था उसमें लासा मासा एकदम पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो अगर आप जाएं उसको भी पहले देख लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, उसके बाद भिन्न वाला भी दे देंगे, और सारी वीडियो आराम से देख लें, फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिर भी आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, कुछ है ही नहीं उसमें। अब देखो 360 48 और 72 है, ठीक है 360 48 और 72, अब चाहो तो दो से काट सकते हो, फिर दो से काटो, फिर दो से काटो, फिर दो से काटो, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, तो चलो देखते हैं किससे कटेगा। ये देखो 36 है, ये 48 है, और ये कितना 72 है, ठीक है, ये 36 है, ये 48 और ये 72 है, तो देखो कौन से पहाड़े में आता है, 36 भी है, 48 भी है और 72 है, तो देखो 6 के पहाड़े में भी आता है, छतरंग 36 0, छतरंग 36 और 0, और 6-8 होता है 48, 6-8 48, और 6 के पहाड़े में ये भी आता है 6 कम 6 और 6 दूनी 12, ठीक है 6 कम 6 और 6 दूनी 12, फिर देखो अब किससे कट रहा है, अब देखो ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4 से काटो, 4 एकम 4 कितना बचा 2, और 4 पंचे 20, इसको भी काटो, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, क्लियर है। अब देखो 3 से, अब 2 से काटो, 2 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाता, तो 15 2 एकम 2 और 3, अब किससे कट जाएगा, अब ये 3 से कट जाएगा, तो 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, अब ये किससे कट जाएगा 5 से कट जाएगा, समझ में आया। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, लासा देखो गुणा करो, हमेशा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जीरो देखो कि जीरो कैसे मिलेगा, तो 5 का गुणा अगर 2 से करो तो 0 मिल जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 10 तीन 30, ठीक है 5 दूनी 10 और 10 तीन 30, और 30 चौकू कितना होता है, 30 चौकू 120, ठीक है 30 चौकू 120, और 120 का गुणा किससे करेंगे हम लोग, 6 से कर देंगे, तो 120 गुणा 6, तो 0 और बाछंग होता 72, ठीक है। अब क्या करना, अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद 1 2, तो 2 अंक बाद लगा दो आंसर, यही हमारा आ गया 7.20, हमारा क्या हो गया लासा हो गया, समझ में आया। ये आपको बहुत सिंपल लग रहे होंगे कि भैया कह रहे बहुत सिंपल है दशमलव वाले, हाँ सिंपल ही होते हैं, ठीक है, तो चलो अब अगला सवाल लगाते हैं, क्लियर है, ये गुणा उड़ा आपको करना आता भी होगा, अब चलो अगला सवाल लगाएंगे, उसके बाद नीचे वाला सवाल आपको लगाना है। अब अगला सवाल हमारा क्या है, देखो 0.24, फिर क्या 0.06, फिर क्या है 0.018। अब इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या का मतलब है यहाँ पे जिसके पास दशमलव के बाद ज़्यादा अंक हो, दशमलव के बाद ज़्यादा अंक हो, दशमलव के बाद देखो इसके पास 3 अंक है, 1 2 3, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो सबसे बड़ी देखो कि जिसके पास दशमलव के बाद ज़्यादा अंक है, तो इसके पास है ज़्यादा, इसको मतलब 3 अंक बाद चाहिए हमें दशमलव, कितने अंक बाद 3 अंक बाद, तो सबके पीछे लगा दो 0। अब देखो इसके 3 अंक बाद हो गया, इसके भी 3 अंक बाद हो गया और इसके भी 3 अंक बाद हो गया, समझ में आया। फिर थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाओ, अब क्या क्या बचा हमारे पास, देखो 240 60, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं अगर किसी भी संख्या के आगे 0 लिखा हुआ है तो उस 0 को नहीं लिखा जाता, इस वाले 0 को नहीं लिखा जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं होता। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, इतना समझ में आया, क्या आ जाएगा 18, क्लियर है, ठीक। फिर वही काम करना है, अब देखो ये 24 है और कितना है 60 है और 18, फिर देखो 6 के पहाड़े में आ रहा है, तो 6 चौक 24 0, 6 कम 6 0 और 6 तीन 18, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर चाहो तो इसको 2 से भी काट सकते हो, 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4
दो पंचे दस, तीन कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन तीनों को काट सके, जब नहीं काट सके तो इसको वैसे ही लिख लो, क्या क्या, बीस पाँच और तीन, क्लियर है, बीस पाँच और तीन वैसे लिख लो, ठीक है। अब इनका फिर गुणा कर लो, देखो इसका इसका कर लो, पाँच दूनी दस, क्या निकालना है इसका, लासा, ठीक है। तो पाँच दूनी दस, और दस का गुणा किससे करेंगे, दस का गुणा बीस से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, दो सौ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो सौ। अब ये कितना है, तिछक अठारह, तो दो सौ गुणा अठारह, ठीक है। तो दो जीरो, जीरो होता बेकार, सबसे पीछे लगा लो, अठारह दूनी छत्तीस, इसका आंसर कितना आ गया, छत्तीस सौ। लेकिन कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, दशमलव के पीछे कितने अंक, एक दो तीन, तो तीन अंक बाद लगा दो दशमलव, ये हो गया तीन दशमलव छः जीरो जीरो, समझ में आया। बस ये आप गुणा करना सीख लें, सबसे पहले उस संख्या का गुणा करें जिससे हमें जीरो मिले, तो पाँच दूनी दस, और दस का गुणा बीस से करेंगे तो ये हो जाएगा दो सौ, तो दो सौ और छः तीन अठारह, इनका इनका गुणा किया कितना आ गया, तीन छत्तीस सौ, और तीन अंक बाद लगा दिया दशमलव, तो ये आ गया 3.600, ठीक है। अब नीचे वाले का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे मासा सीखेंगे, क्या, माशा, ठीक है। मासा देखो और सिंपल होता है, ठीक है, काम भाई हमारा, तो सबसे पहले सवाल को लिए ले रहे हैं, सबसे पहला सवाल अभी जिस जैसे लासा किया था वैसे हम लोग मासा भी करेंगे, ठीक है, 3.6 और 0.18, क्लियर। वही काम करना है, देखो दशमलव के बाद दो अंक हैं, इसके दशमलव के दो अंक इसमें भी, दशमलव के बाद दो अंक इसमें भी, लेकिन इसके पास नहीं है, तो क्या बढ़ा लेंगे हम लोग, जीरो बढ़ा लेंगे, क्या बढ़ा लेंगे, जीरो, क्लियर है। अब थोड़ी देर के लिए दशमलव को फिर भूल जाएंगे, तो फिर हम लोग किसका किसका लास्ट मासा निकाल लेंगे, 18, 360 और 81, क्लियर है, 18, 360 और 81, क्या निकालना हमें इसमें, मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए फिर भाई काटना स्टार्ट कर दो, तो अभी हम लोगों ने इसको काटा भी था, किससे कटा था, साइड छः से काटा था हम लोगों ने, किससे काटा था, छः से, तो छः तीन अठारह, ठीक है, इसको भी छतरंग छत्तीस, जीरो, और छः से काटा था कि नौ से काटा था, सॉरी किससे काटा था, नौ से काटा था, छः से नहीं, नौ से, ठीक है। तो नौ नेम, नौ दूनी अठारह, नौ चौक छत्तीस, जीरो, और नौ नेम 81, क्लियर है, इतना समझ में आ गया। देखो नौ दूनी अठारह, नौ चौक छत्तीस और जीरो, और नौ नेम 81। अब कोई ऐसी संख्या है ही नहीं कि जो दो को भी काट सके, चालीस को भी काट सके, और नौ भी, नौ को भी काट सके, तो इसका मतलब जो मासा हो गया वो हमारा कितना हो गया, नौ हो गया, ठीक है। लेकिन हमें कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, दो अंक बाद लगाना, कि हमारे पास दो अंक हैं, नहीं है, तो पीछे जीरो नहीं बढ़ा सकते, कहाँ बढ़ा सकते हो, आगे जीरो बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे लगा दो दशमलव, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर 0.09। जैसे अगर आपके पास सिर्फ पाँच हो, जैसे मान लो सपोज करो आपके पास सिर्फ पाँच है, ठीक है, और तीन अंक बाद दशमलव लगाना, तो कभी भी पीछे जीरो नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि पीछे जब जीरो लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, समझ में आया। तो इधर नहीं लगाया जाता, हमेशा पीछे लगाया जाता, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी जीरो लगा लो पाँच ही रहेगा, समझ में आया। तो जब भी दशमलव लगाने हो तो दशमलव जब भी लगाना हो तो संख्या के पीछे जीरो बढ़ा लेते हैं और दशमलव लगा देते हैं, समझ में आया। जैसे पाँच है और इसके तीन अंक बाद दशमलव लगाना, तो एक अंक तो है ही हमारे पास, दो जीरो बढ़ा लो और दशमलव लगा दो, समझ में आ गया, क्लियर है। देखो लासा निकालना कोई कठिन नहीं है, ना ही मासा निकालना कोई कठिन काम है, ये आपको इसलिए सिखाए दे रहे हैं जिससे आप किसी भी कंपटीशन में जाएं तो आप ये ना सुनिए ये दशमलव वाला है कैसा लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे लगेगा, ठीक है। अब चलो अगला सवाल लगाते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, 3.6, 0.48, 0.72, इससे आगे चाहे जीरो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगता। अब इसमें देखो दशमलव के बाद दो अंक है, इसमें भी दो अंक है लेकिन इसके पास दो अंक नहीं है, तो उसमें क्या बढ़ा लो, जीरो। अब आप समझ गए होंगे कैसे करने हैं, फिर वही काम करना, किसका, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। अब इसमें अभी हम लोगों ने भाग दिया था, किससे भाग गया था, छः से दिया था शायद, ठीक है, तो छः से भाग दे दो, छतरंग छत्तीस, जीरो, ठीक है, ऐसे ही छठे अड़तालीस,
और छः का इसमें, तो छः कम छः, छः दूनी 12, क्लियर है। अब फिर देखो चार से जा रहा है, चार से दे दो 15 आ जाएगा, यहाँ पे चार दूनी 8 आएगा, चार तीनों 12, ठीक है। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो इन इन सारी संख्याओं को काट सके, तो यही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। कितना, 6 चौक 24, 6 चौक 24, और कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। अब नीचे वाले ये दोनों सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है, इन दोनों का मासा निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और इसका लासा निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। राम राम।